आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। पहली बार मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, पार्टी के इस फैसले के लिए मैं पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। मतलब मैंने तो वैसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, पर पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था, पर आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है, तो मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि पार्टी की जो अपेक्षा उसको पूरा कर सकूं। पहली बार मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, पार्टी के इस फैसले के लिए मैं पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं अपने जन्मभूमि में, कर्मभूमि में पहली बार चुनाव लड़ूंगा। तीसरी बात यह है कि मुझे सूचना छिंदवाड़ा की धरती पर मिली है, तो मैं अपने संकल्प को दोहराता हूँ। 2003 का चुनाव मैंने देखा है बहुत निकट से। अब 2003 में ये परिस्थिति है कि मैं राज्य की राजनीति में या विधानसभा के लिए पहला चुनाव लड़ रहा हूँ। 2003 में जिस प्रकार छिंदवाड़ा में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, मैं अपने संकल्प को दोहराता हूँ, 2023 में भी छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। ये भ्रष्टाचार की लंका यहीं पर ध्वस्त होगी, समय पूरा हो गया है यहाँ पर कांग्रेस का भी और कांग्रेस के नेताओं का। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। और एक नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। सर, बाकी केंद्रीय मंत्रियों को भी बड़े बड़े नाम उतारे हैं इस लिस्ट में, कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? अब देखिए, तो दो तिहाई बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है, उससे आगे कितने सीटें बढ़ते हैं ये समय बताएगा।